नमस्कार मित्रों, जो ये दुनिया है ये मंत्र तंत्र तथा ज्योतिष उपाय पे आधारित है और ये सारी दुनिया जो चल रही है ग्रहों नक्षत्रों पर आधारित है। चाहे वह देवी देवता क्यों ना हो, अगर इस पृथ्वी में आकर के जन्म लेते तो उन्हें भी साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ग्रहों नक्षत्रों पर उन्हें आधारित होना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2022 में आप चाहते हो माला माल बनना, खाली डिब्बे में रख दे यह चीज, आप जल्द धनवान बन जाएंगी। क्योंकि मित्रों हमारे हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी से वर्ष प्रारंभ होता है और अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के माने तो ये जनवरी में शुरू हो जाता है और हमें दोनों को भी मानना चाहिए क्योंकि ये एडवांस दुनिया है। तो आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना। जो छोटे से जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आपके लाइफ चेंज कर सकती है। तो आपको करना क्या है, 2022 में यानी कि 1 जनवरी के दिन ये ज्योतिष उपाय जरूर करना है। एक आपको लेना है खाली डिब्बे में पीले चावल हल्दी से रंग करके भर देना है और एक गोल्डा क्वाइन, जी हाँ एक गोल्डा क्वाइन आप डाल सकते हैं। अगर सोने की क्वाइन नहीं डाल पाते तो इसके स्थान पर रंगा हुआ गोल्डा क्वाइन डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बृहस्पति मजबूत होगा और चावल जो है शुक्र के प्रतीक होता है तो इससे आपके शुक्र भी मजबूत होगा, इसे धनपति बनाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति और शुक्र का जो मिला मिश्रण होता है आपको धनपति बनाएंगे, आपके बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने में मदद करेंगे। लेकिन इसका आपको घर में उपयोग नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा डब्बा ले लेना है, खाली डिब्बा में चावल और आपको एक क्वाइन यानी कि एक सिक्के भर करके रखना है। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, ये नहीं करेंगे तो आप एक खाली डिब्बे लेना, अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें आपको मिश्री और बतासे ये दोनों बराबर मात्रा में भर करके रखना है और आप इसे अन्नपूर्णा स्थान पर रखना यानी कि घर के रसोई स्थान पर रखना। इसका मैं फायदा बताना चाहूँगा, मिश्री रखने से जो शुक्र ग्रह जो होते हैं ये मजबूत होता है और बतासे रखने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिनके जीवन में शुक्र और चंद्रमा मजबूत हो जाए। क्योंकि शुक्र को धनकारक कहा जाता है और चंद्रमा को शीतलता कहा जाता है, तो आपके जीवन में धन भी आएंगे शीतलता आएंगे। और ये मालवे नामक राजयोग बनाता है, मालवे नामक राजयोग आपकी कुंडली में स्थापित करने का काम करता है। इससे आपकी जो कुंडली मजबूत होता है आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है और राजयोग बनाता है यानी कि आपको अचानक से लंबे जो धन की प्राप्ति होती है राज करने की योग बनती है। तीसरा प्रयोग शक्कर, जी हाँ खाली डिब्बे में जो शक्कर डाल करके 1 जनवरी के दिन जरूर रखना। इसे शुक्र की जो वस्तु शक्कर को कही जाती हैं, आप इससे भोग लगा सकते हैं, देवी देवताओं को प्रसाद में बांट सकते हैं। अब खुद अनुभव करेंगे, हमने जितने अभी तीन उपाय बताए, तीन उपाय अगर आप अपने डिब्बे में रखते हैं यानी कि घर के खाली डिब्बे में भर कर रखते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे, आप जो सोच रहे हैं वह हर इच्छा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, वह हर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके हर इच्छा पूर्ण होती जा रही है। आप खुद देखना, ये जो उपाय है ना इतना तीव्र उपाय है कि ऐसे उपाय YouTube में बहुत ही कम लोग बताने वाले होते हैं। बस खाली डिब्बा में हमने जिन जिन चीज़ों को बोला है रखने के लिए वह रखना, पूरे साल इसे आपको रखना, इसका उपयोग नहीं करना है। फिर जैसे नेक्स्ट ईयर आते हैं तो आप इसे देवी देवताओं में चढ़ा देना या फिर बहते हुए जो जल की धारा उसमें विसर्जित कर देना, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम।